मुझे इस बात का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ पर ज़्यादातर सदर मुशायरा साहब के मराठी नोविंग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ही पुण्यनगरी आणि मी कोल्हापुरातला, तर मी आता निवेदन मराठीत करणार आहे जाणून बुजून। मी ज्यांचं इन्स्पिरेशन घेऊन गझल म्हणायला लागलो ते माझे गुरु मंगेश पाडगावकरजी। मला अतिशय आनंद होत आहे, कदाचित आपल्याला माझी भाषा कळत असेल। मैं उर्दू का शायर हूँ। आज इस मंच पर साहेब इरफान साहेब जी, मुंबईकर जी, मुंबई। अब ये मराठी पुणेकर आणि मुंबईकरांची जुगलबंदी जर चालू झाली तर त्यांना उघडवून बसेल, कारण मुंबईवाल्यांची मराठी कितपत चांगली आहे हे आम्ही पुणेकरांना माहित आहे। पुणेची मराठी वेगळी असेल मान्य, पण मी पण जी जी, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हाजरीन देखिए, मैं वापस उर्दू में चला आया। मरा आज जो है इस मंच पर उर्दू के कवि हैं और हिंदी के शायर हैं और मराठी के ऑडियंस हैं। ऐसा मैं चाहूँगा कि ऐसा सारा हिंदुस्तान बन जाए। ये मोहब्बत का मंच है, ये प्रेम का मंच है। खुदा आपकी दुआ कबूल करे। जिस दुआ के बाद आमीन कहा जाता है वो दुआ कबूल हो जाती है, और हमारे सरपरस्तों ने यहाँ पर आमीन भी कह दिया। तर मित्र हो, मी आज ज्या कवीला इथं निमंत्रित करण्यासाठी उपस्थित आहे त्यांच्या वडिलांच्या नावाने मी इथे त्यांना बोलवणार नाही आहे। कैसरुल जाफरी हे उर्दू शायरीचे फार मोठे नाव, परंतु इरफान जाफरी आज या उर्दू शायरीचे फार मोठे नाव आहेत। त्यांची पुस्तकं, त्यांच्या काव्यपंक्ती, त्यांच्या गझला ऐकूनच आम्ही शायरीच्या मैदानामध्ये आलेलो आहोत। त्यांचं मी लहान असताना त्यांच्या ऐकलेल्या गझलचा मतला असा होता की होने ते जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समंदर के हो गए। परंतु मी त्यांना आज निमंत्रित करतो मंगेश पाडगावकरांच्या या चारोळीने के लाजून हसणे आणि हसून ते पाहणे, मी ओळखून आहे सारे तुझे पाहणे। लाजून हसणे आणि हसून ते पाहणे, मी ओळखून आहे सारे तुझे बहाने। हातात धनुष्य ज्याच्या त्याला काय कळावे, हातात धनुष्य ज्याच्या त्याला काय कळावे, हृदयात बाण ज्याच्या त्यालाच दुःख ठावे। बडे ही अदब व एहतराम के साथ मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी इस देखिए, आज हम कवियों को एक इरफान और एक राजेश रेड्डी के दरमियान में बिठा कर रखा गया था, दो बड़े नाम। हम लोग डर रहे थे कि कहीं हमारा सैंडविच न हो जाए। बहरहाल आप आइए कि ये हवा के सर्द झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरे जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती, ये फसाने मोहब्बत बस ज़बाने दीगरां क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। इतनी मोहब्बत समेट के ले जाएंगे आपके शहर से, इसका यकीन तो था, लेकिन जितना यकीन था उससे ज़्यादा मोहब्बतें लेके जाने वाले हैं आपके शहर से। तो ये कि दामन छोटा पड़ गया और बरसों नहीं बल्कि मुद्दतों नहीं बल्कि उम्र के उस गोशे तक जहाँ तक हम शेर सुनाते रहेंगे, पूना हमारी याददाश्त का, हमारी याद का एक अटूट हिस्सा बन जाएगा आज। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है। मोनिका जी ने जो आज की महफिल सजाई है उनको मुबारकबाद, और इरफान शाह नूरी ने जिस तरह से मेरा तारुफ करवाया मराठीत, आपका बहुत धन्यवाद। और जिस शेर से इरफान ने शुरुआत की थी, चलिए मैं उन्हीं दो तीन शेर से, राजेश भाई आपकी इजाज़त हो तो मैं शेर सुनाना शुरू करूं। मेरे दोस्तों और सुरेश जी और जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, शेर सुने यहाँ से कि होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समुंदर के हो गए। होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए,
हम टूटी नाव ले के समुंदर के हो गए। और शेर सुनाता हूँ आपको कि अब कौन आके मुझसे खिलौनों की जिद करे, अब कौन आके मुझसे खिलौनों की जिद करे, बच्चे जमा हुए तो बराबर के हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कि होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव ले के समुंदर के हो गए, और अब कौन आके मुझसे खिलौनों की जिद करे, बच्चे जमा हुए तो बराबर के हो गए। शेर ये सुनाना चाहता हूँ राजेश भाई और तमाम जितने भी मेरे शायर दोस्त यहाँ और कुछ नए सुनने वाली मतलब बड़ी अच्छी समातें बैठी हैं और आप भी, कि खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, हम फूल सबको बांट के पत्थर के हो गए। खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, सुरेश बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें आपकी। ये खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, हम फूल सबको बांट के पत्थर के हो गए, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए। शेर सुने किसी और गज़ल का मतला है कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, राह देखेंगे तेरी, अनंत जी समीर भाई कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाए। बहुत शुक्रिया। अगर राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाए। और शेर सुने के तस्करा गम का तवालत के सबब रहने दे, तस्करा गम का तवालत के सबब रहने दे, उम्र कट जाए अगर तुझको सुनाने लग जाए। बहुत शुक्रिया जनाब अली। अब्दुल्ला भाई बैठे हैं हमारे, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाएं, और तस्करा गम का तवालत के सबब रहने दे, उम्र कट जाए अगर तुझको सुनाने लग जाएं। और बड़ा नाजुक सा शेर गज़ल का कि शाम होते ही कसक आँख में डेरा डाले, शाम होते ही कसक आँख में डेरा डाले, और याद आते ही तेरी रोने रुलाने लग जाए, शाम होते ही कसक आँख में डेरा डाले, याद आते ही तेरी रोने रुलाने लग जाए। और शेर सुने कि एक पुरानी सी हवेली है, पूना वाले शेर को महसूस कर सकते हैं कि एक पुरानी सी हवेली है अगर खोलो तो, इरफान मोनिका जी, एक पुरानी सी हवेली है अगर खोलो तो ये भी मुमकिन है कि हाथों में खजाने लग जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राजेश भाई, बहुत शुक्रिया कि एक पुरानी सी हवेली है अगर खोलो तो ये भी मुमकिन है कि हाथों में खजाने लग जाएं। और मक्ते का शेर है, देखें कैसा अफसोस होता है कभी कभी, जाफरी ऐसे ताल्लुक में कशिश क्या होगी, जाफरी ऐसे ताल्लुक में कशिश क्या होगी जिसके आगाज में अंदेशे सताने लग जाएं। बहुत शुक्रिया जाफरी ऐसे ताल्लुक में कशिश क्या हो जिसके आगाज में अंदेशे सताने लग जाए। बहुत शुक्रिया, राह देखेंगे तेरी जाफरी ऐसे ताल्लुक में कशिश क्या होगी जिसके आगाज में अंदेशे सताने लग जाए, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाए। एक शेर सुनाने के लिए आपको मैं मतला सुनाता हूँ, ये कल नहीं था, दो ही शेर हैं, ये कल नहीं था पर आज है मेरा, तुंद लहजा मिजाज है मेरा, कल नहीं था पर आज है मेरा, तुंद लहजा मिजाज है मेरा। मोनिका जी शेर यहां से सुने आप सब कि तुझको सोचूं तो सोचता जाऊं,
बहुत छोटा सा शेर, बहुत छोटे से मिसरे के तुझको सोचूं, तो सोचता जाऊं, बस यही काम काज है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि कल नहीं था पर आज है मेरा, तुंदरेजा मिजाज है मेरा, और तुझको सोचूं तो सोचता जाऊं, बस यही काम काज है मेरा। शेर सुनाता हूं गज़ल के कि मेरे अजीज ज़रा एतबार कर लेता। अर्ज भाई आपने शायद ये शेर नहीं सुने होंगे मेरे दोस्तों, कि मेरे अजीज़ का मतलब दोस्त होता है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, शायरी एक्सप्लेनेशन चाहती भी नहीं, कि मेरे अजीज़ ज़रा एतबार कर लेता, मैं एक जस्त में दरिया को पार कर लेता। बहुत शुक्रिया। मेरे अजीज़ ज़रा एतबार कर लेता, मैं एक जस्त में दरिया को पार कर लेता, मैं जिंदगी के खराबे में खो गया वरना, मैं बंबई के खराबे में खो गया वरना, मैं जिंदगी के खराबे में खो गया वरना, मैं अपने आप से मिलता तो प्यार कर लेता। मेरे बहुत शुक्रिया हाजिर कि मेरे अजीज जरा एतबार कर लेता, मैं एक जस्त में दरिया को पार कर लेता, और मैं जिंदगी के खराबे में खो गया वरना, मैं अपने आप से मिलता तो प्यार कर लेता। और शेर सुने इस गजल का कि बिछड़ के तुझसे वही कैफियत है पहली सी। शिखा जी और सुनैना जी कि बिछड़ के नहीं, ये तो उल्टा हो गया, मिल के तुझसे कहना चाहिए कि बिछड़ के तुझसे वही कैफियत है पहली सी, बिछड़ के तुझसे वही कैफियत है पहली सी, यही था ठीक तेरा इंतजार कर लेता। समीर भाई कि बिछड़ के तुझसे वही कैफियत है पहली सी, यही था ठीक तेरा इंतजार कर लेता, और मेरे अजीज जरा एतबार कर लेता, मैं एक जस्त में दरिया को पार कर लेता। राजेश भाई एक नज्म सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद जहमतें तमाम तो नहीं कहूँगा, इसलिए कि हमने आपको जहमतें दी ही नहीं, तो हम जहमत की माफ़ी क्यों मांगे, हम तो आपको खुश करने आए थे और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस नज्म को देखें, ये बड़े अनछुए जज्बे की नज़में, जिस तरह से शिखा ने और सुनैना ने आपको एक अलग दुनिया की सैर करवाई थी, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैं उसके करीब पहुंचना चाहता हूं। सुने राजेश भाई, उबैद के इसका उन्वान है आप कितने अच्छे हैं, ये इसका शीर्षक है, उन्वान है, टाइटल है, जो भी आप समझें, कि आप कितने अच्छे हैं। नज़म यहाँ से शुरू होती है दोस्तों, कि मैं एक बेढब और बेहंगम कोताह कद छोटे कद का, मैं एक बेढब बेहंगम कोताह कद, खुरदुरा मेरा चेहरा, बुझी बुझी मेरी आँखें। मैं एक बेढब और बेहंगम कोताह कद, खुरदुरा मेरा चेहरा, बुझी बुझी मेरी आँखें, हाथ पैर काले से घर से जब निकलता हूँ, रास्ते पे तन्हा सा, भीड़ में शिकस्ता सा, हर निगाह से ओझल, मैं ही हम सफ़र अपना, सबकी घुड़कियाँ खाते, जाके कारखाने में काम करके मेहनत का, भीड़ में शिकस्ता सा, हर निगाह से ओझल, मैं ही हम सफ़र अपना, सबकी घुड़कियाँ खाते, जाके कारखाने में काम करके मेहनत का, डांट सुन के मालिक की, दिन की गर्द में अटकर, गंदे संदे कपड़ों में, काम से थका हारा, टूटते कदम लेकर, जब भी घर पहुंचता हूं, मेरी लाडली बेटी हाथ से टिफिन लेकर, खुरदुरे से चेहरे को छू के अपने हाथों से मुस्कुरा के कहती है,
आप कितने अच्छे हैं। Thank you.